इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार हॉलीवुड मूवीज को जो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहली मूवी है फॉल। मूवी में कहानी दिखाई गई है बेकी और हंटर नाम की दो दोस्तों की, जो एक अनजान जगह पर एक पुराने टीवी टावर के ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं जो 2000 फीट ऊंचा होता है। लेकिन उस टावर के ऊपर चढ़ जाने के बाद उस टावर की सीढ़ी टूट जाती है और वो लोग उसी टावर के ऊपर फंस जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से बचने के लिए क्या कुछ करती है आप इस मूवी में देख सकते हो। दोस्तों मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा और ये मूवी काफी ज्यादा थ्रिल से भरी हुई है। साथ में इस मूवी के एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आप इस मूवी से काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो। मूवी का रन टाइम 1 hour 47 minutes का है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 6.4 की। अगली मूवी है ओवरलोड। ओवरलोड 2018 में एक एक्शन साईफाई हॉरर मूवी है। मूवी की कहानी बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर, जिसमें यूएस आर्मी के कुछ सोल्जर्स को टास्क दिया जाता है कि उन्हें जर्मन आर्मी के एक रेडियो स्टेशन को तबाह करना है। लेकिन जब यूएस आर्मी के सोल्जर वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि जर्मन आर्मी वहां के आम लोगों पर एक अजीबोगरीब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब आखिर वहां पर किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी इंस्पायर्ड है कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो गेम सीरीज के गेम से। मूवी का रन टाइम 1 hour 57 minutes का है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 6.6 की। अगली मूवी है स्केप रूम। स्केप रूम 2019 में एक साईफाई थ्रिलर मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई कुछ लोगों की जिन्हें एक रूम में बंद कर दिया जाता है। अब वो लोग उस रूम से तब तक बाहर नहीं आ जाते जब तक वो लोग उस रूम में मौजूद क्लूज को ढूंढकर रूम के पजल को सॉल्व न कर ले। अब जो भी इस रूम से पजल्स को सॉल्व करके बाहर आएगा उसे $10,000 का इनाम मिलेगा और बाकी जो भी रूम में बचेगा वो मारा जाएगा। हर रूम के लिए अलग अलग चैलेंजर्स और पजल्स होते हैं और इन्हें एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होता है। अब आखिर इस गेम के पीछे की सच्चाई क्या होती है और आखिर कौन इस गेम को जीत पाता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी का रन टाइम 1 hour 40 minutes का है और मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 6.4 की। अगली मूवी है ओवरडोज। ओवरडोज 2022 में एक क्राइम ड्रामा मूवी है। मूवी की कहानी काफी ज्यादा सिंपल है, जिसमें दिखाया गया है कि स्पेन और फ्रांस की पुलिस को एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड की तलाश होती है, जिसके लिए उनको किस तरह की मशक्कत का सामना करना पड़ता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। तो अगर आपको क्राइम ड्रामा जॉनरा की मूवीज पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देख सकते हो। मूवी का रन टाइम 1 hour 59 minutes का है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 5.7 की। अगली मूवी है Somebody I Used to Know। मूवी में कहानी दिखाई गई है एली की, जिसका हॉलीवुड का एक शो कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से वापस उसे अपने होम टाउन में आना पड़ता है, जहां पर उसकी मुलाकात अपने एक्स सॉन से होती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि अपने होम टाउन में वो जिन चीजों को छोड़ के गई थी वो उन्हें वापस पा सकती है। इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी का रन टाइम 1 hour 46 minutes का है और मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 5.7 की। अगली मूवी है डाई हार्ट। डाई हार्ट 2022 में एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसमें कहानी दिखाई गई है कॉमेडियन की, जिसका नाम केविन हार्ट होता है। केविन कॉमेडी मूवीज करके काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो कॉमेडी मूवीज ना करके सिर्फ एक्शन मूवीज करेगा, जिसके बाद वो एक्शन सीखने के लिए एक एक्शन स्कूल में एडमिशन ले लेता है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी का रन टाइम 1 hour 24 minutes का है। इस मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 5.1 की। अगली मूवी है ब्लैक एडम। ब्लैक एडम 2022 में आई एक सुपर हीरो एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई डीसी कॉमिक्स के एक सुपर विलन ब्लैक एडम की, जो 5000 साल पहले खानदाक नाम की एक सिटी का वॉरियर होता है। लेकिन उस टाइम उसने कुछ गलत किया होता है, जिसकी वजह से उसे कैद कर दिया जाता है। लेकिन फिर 5000 साल बाद वो अपनी कैद से आजाद हो जाता है। अब 5000 साल बाद की टाइमलाइन में आ जाने के बाद उसके साथ क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी का रन टाइम 2 hours 5 minutes का है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 6.3 की। तो दोस्तों ये थी Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार मूवीज, जिन्हें आप हिंदी में भी देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और इनमें से आपको कौन सी मूवीज ज्यादा अच्छी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।